सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो देखो, सुपर कप इज़ ऑन द वे राइट नाउ। और सुपर कप एक ऐसा कंपटीशन है, एक ऐसा कप कंपटीशन है जो कि ऑलमोस्ट मिड सीजन में होता है, मिड सीजन के आसपास होता है ये। और पहले ऐसा नहीं होता था, बट आफ्टर 2018 कुछ चेंजेस हुए, इसको 4 टीम कंपटीशन कर दिया गया। पहले इसका ये सिनारियो था कि ये एक 2 टीम कंपटीशन था, जो कि लालिगा के जो विनर्स रहते थे और कोपा देल रे के जो विनर्स रहते थे, उस उन दोनों के बीच ये होता था, इस कप कंपटीशन के लिए मैचेस होते थे। बट आफ्टर 2018 इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और इसको अब फॉरेन कंट्रीज में कराया जाता है, जहाँ पे फुटबॉल का उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है और वहाँ से लालिगा को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसके वजह से इस कंपटीशन को फॉरेन में कराया जाता है। एंड मोस्ट प्रोबली डेस्टिनेशंस आर आइदर मोरक्को या फिर सऊदी अरेबिया, इन्हीं टाइप्स के कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है ये कंपटीशन। और ये 4 टीमों के बीच अभी खेला जा रहा है 2018 से, जिसमें कि लालिगा के विनर्स एंड रनर्स अप प्लस कोपा देल रे के विनर्स एंड रनर्स अप। तो अभी जो इस सीजन में जो 4 टीम है, उनमें से है रियल मैड्रिड, रियल बेटिस, वेलेंसिया एंड बार्सिलोना। तो रियल मैड्रिड विल प्ले अगेंस्ट वेलेंसिया, जो कि आज है हमारा मैच, एंड बार्सिलोना विल प्ले अगेंस्ट बेटिस, जिनका मैच कल होने वाला है। और इन दोनों में से जो भी जीतेंगे वो फाइनल में जाके खेलेंगे एक दूसरे के साथ। आइदर इट विल बी एल क्लासिको और रियल बेटिस वेलेंसिया, और रियल मैड्रिड रियल बेटिस और वेलेंसिया बार्सिलोना। तो चांसेस बहुत सारे हैं, चांसेस बहुत सारे हैं। और रियल मैड्रिड, जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं रियल मैड्रिड के, ऑरेलियन चुआमेनी एंड डेविड अलाबा, और बहुत सारी ये न्यूज़ आ रही है कि मेंडी को भी थोड़ा सा थाई में इंजरी हो चुका है। तो आई थिंक कि मेंडी शायद खेल सकते हैं या शायद नहीं खेल सकते। इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एंचेलोत्ती ने वैसा कुछ बताया नहीं, बट अगर रिपोर्ट्स की माने तो मेंडी को शायद इंजरीज हुए हैं। और मतलब इंजरी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट फिर भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पता मेहंदी कल खेले नहीं खेले। इसके बारे में किसी को कोई न्यूज़ नहीं अभी, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसा कुछ बताया नहीं गया एंचेलोत्ती। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मतलब गर्मी वाली बातें की गई कि जब उनसे पूछा गया गातेसू, जो कि एक बहुत भड़वा मैनेजर है और वैलेंसिया की टीम उसी की है, और जब पूछा गया एंचेलोत्ती से कि क्या रिलेशंस अभी कैसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गातुसो और एंचेलोत्ती का जो रिश्ता था वो बहुत सही था, क्योंकि उन्होंने एक साथ चैंपियंस लीग जीते हैं दो एसी मिलान के साथ। प्लस गातुसो ने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी बोला है कि ही इज़ लाइक ए फादर टू मी, बट आफ्टर दैट नेपोली इंसिडेंट, जहाँ पे कुछ क्रिटिसाइज किया गया था गातुसो के द्वारा एंचेलोत्ती के जाने के बाद कि फिजिकैलिटी ठीक नहीं है इस टीम की, नेपोली की, जिसके बाद से रिलेशनशिप ब्रोक डाउन हो गया। बट वो अलग बातें हैं, वो सब अलग बातें हैं, वो यहाँ मैटर नहीं करेगा। सो वी आर हेयर टू टॉक अबाउट द प्रीव्यू ऑफ दिस मैच, या फिर कुछ ऐसे चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे जो कि इस गेम में हो सकता है या फिर होने के चांसेस हैं, क्योंकि वेलेंसिया वेलेंसिया के पास काफ़ी अच्छी टीम है एंड उतने ज़्यादा इंजरीज नहीं है उनके पास, बट चीज़ें चेंज हो सकती है, बिकॉज वेलेंसिया आर ए गुड टीम। हम जानते हैं कि गाटूसो किस तरीके से खिलाना पसंद करते हैं अपनी टीम को, विद दैट 4-3-3 फॉर्मेशन, जहां उनके जो वाइड फुलबैक्स हैं वो लोग वाइड जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड विंगर्स जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इनसाइड स्पेसेस पे खेलना पसंद करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि जब डिफेंसिवली गाटूसो खिलाना पसंद करते हैं अपनी टीम को, वो एक 4-5-1 के फॉर्मेशन में खिलाना पसंद करते हैं और वो स्पेसेस को बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जहाँ पर दिक्कतें होती है टीम्स को बहुत ज़्यादा, जो कि प्रेस करना ज्यादा पसंद करती है उन टीम्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। और जो टीम उनके अगेंस्ट वाइड स्पेसेस या फिर इनसाइड स्पेसेस को टारगेट करते हैं, उन टीम्स को भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। एंड बहुत बार हमने ये भी देखा है गातुसो के साइड से कि वो अपने जो दो सेंटर मिड है उनको एज ए इनसाइड फॉरवर्ड का रोल खिलाते हैं, एंड जो उनके दो विंगर्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप आ जाते हैं बॉल कलेक्ट करने के लिए टू हेल्प दैट डिफेंसिव मिडफील्डर। तो ये भी हमने बहुत देखने को मिला, बट वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं है गाटोसो का। एंड
बाकी जो मैंने दो फॉर्मेशंस बताए, जो टैक्टिकल सेटअप जो उनका है, वो शायद वो यूज कर सकते हैं इस मैच में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है विलारियल वाला मैच जहां पर रियल मैड्रिड ने सफर किया किस तरीके से एक प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट जो कि हाई प्रेस करती है उसके अगेंस्ट किस तरीके से सफर किया। तो वो आई थिंक गनेरो गटूसो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से रियल मैड्रिड को हिट किया जा सकता है लाइक दैट, जैसे विलारियल ने उनको हिट किया था। बट इन दिस मैच काफी चेंजेस होंगे क्योंकि कारवाहाल विल बी बैक फॉर रियल मैड्रिड एंड आई थिंक मैड्रिड विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट देयर स्पेसेस, जो कि वो स्पेसेस छोड़ते हैं जब अटैक में वो लोग आते हैं, अटैकिंग ट्रांजिशन में जब वैलेंसिया रहती है तो वो पीछे बहुत ज्यादा स्पेसेस छोड़ते हैं एंड उनके जो आप बोल सकते हो फुलबैक्स हैं तो उतने ज्यादा फास्ट नहीं है, जो जिससे विनिशियस एंड वालवर्दे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है टू एक्सप्लोर दो स्पेसेस इन काउंटर अटैक्स, और इनके पास स्पेस है तो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं पेस का। बट द मेन थिंग इज दैट कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे पास चुआमेनी नहीं है, जो कि एक मेन फैक्टर है रियल मैड्रिड के मिडफील्ड का आफ्टर कैसेमिरोज डिपार्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल मैड्रिड के लिए और वो कल नहीं है रियल मैड्रिड के लिए, वो कल एबसेंट रहेगा उस मिडफील्ड से। देखने वाली बात ये होने वाली है कि किसको कार्लो एंचेलोटी उस पोजीशन के लिए खिलाते हैं या फिर उस पोजीशन में किसको फिट करते हैं। तो देखो जो चांसेस हैं कि क्रूस एज ए सीडीएम खेल सकते हैं, इसके भी बहुत चांसेस हैं, बट फिर चीज़ें दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर क्रूस के जगह पे कौन सा बंदा खेलेगा जो कि एक बॉल कंट्रोलर का काम करते हैं हमारे टीम के लिए, एक कंट्रोलर का काम करते हैं एक टीम मतलब गेम को का टेम्पो कंट्रोल करते हैं क्रूस, तो उनके जगह पे खेलना अभी तो कोई नहीं है टीम में। सो आई थिंक कामाविंगा एक बेटर ऑप्शन होंगे सीडीएम पोजिशन के लिए, क्योंकि कामाविंगा के वो ट्रेड्स हैं प्लस उनके पास वो पेस है एंड वो गेम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं आजकल, प्लस जब भी वो सब होके आते हैं, बट अगर वो स्टार्टिंग से खेलेंगे तो रियल मैड्रिड के लिए और बेटर होगा क्योंकि उनका पेस को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, प्लस डिफेंसिव ट्रांजिशन में हम बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर कामाविंगा खेलते हैं। बट वहीं अगर क्रूज खेलेंगे तो फिर अगर वैलेंसिया प्रेस करेगी तो अपन फिर दिक्कत में आ सकते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लाइनअप करते हैं एंचेलोती, बट मेरे हिसाब से यही होने वाला है। और अगर बाई चांस जो कि जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो के कि शायद फलानमंदी इंजर हो तो वहां एक मतलब दिक्कत वाली बात होगी कि किसको खिलाएंगे फिर अगर वो नहीं खेलते हैं, बट अभी ऐसा कुछ न्यूज नहीं है। हाँ न्यूज़ेस में न्यूज आ रहा था कि ऐसा हो सकता है कि फलानमंदी नहीं खेले, बट देखो कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, बट आई थिंक अच्छा ही हो कि अगर वो खेले तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अलावा भी नहीं है तो फिर लेफ्ट बैक में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट मैच है और अगर हम ये जीत के जाते हैं और उधर से अगर बार्सिलोना जीत के आती है तो हमें एक क्लासिको देखने को मिल सकता है, दिस विल बी द सेकंड क्लासिको इफ दिस हैपेंस, तो ये एक सेकंड क्लासिको हमें देखने को मिल सकता है और होप कि हम अपना जो टाइटल है वो अच्छे तरीके से डिफेंड करें बिकॉज वी आर द करेंट चैंपियंस एंड हम भी अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। ये चार टीम का जो फॉर्मेट है इसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, हमने तीन में से दो बार हम ही चैंपियंस रहे हैं इस फॉर्मेट के, और होप सो कि ये भी हम जीत जाएं तो फिर ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट होगा या फिर बूस्टअप होगा हमें, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ ये टाइटल जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड ये कप कंपटीशन रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग द फॉर्म वी आर इन करेंटली। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कप जीतना एंड अगर ये जीतते हैं तो खुशी की लहर होगी पूरे फैंस में, जितने भी मैड्रिड समाज के फैन हैं उनमें खुशी की लहर होगी एंड हम फिर से एक मतलब एक एक्चुअल पाथ में आ जाएंगे जहां पर हमें चलना चाहिए टू क्लिंच द लालीगा टाइटल एंड टू गो फॉर द चैंपियंस लीग, बिकॉज हमेशा टाइटल्स आपको बूस्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और टाइटल्स मिड सीजन में, यही एक लालीगा में एक कंपटीशन है जहाँ पे आपको मिड सीजन में टाइटल्स देखने को मिलते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन है। जितने भी सारे टीम्स खेलते हैं यहाँ मतलब इस फॉर्मेट में, इस चार जो टीम रहती है जो भी खेलती है इस फॉर्मेट में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कंपटीशन, क्योंकि जब भी आप मिड सीजन में कंपटीशन जीतते हो तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है विदाउट अ डाउट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत मोटिवेशन लाता है आपके टीम में। तो गाइस क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है, क्या हम जीत सकते हैं, रियल मैड्रिड क्या जीत सकती है अगेंस्ट वैलेंसिया, और आपको अगर लगता हो वैसा तो अपनी जो प्रेडिक्शंस है वो कमेंट में जरूर बताएं, और
वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम देखेंगे, आप आज अपन लाइव वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, 12:30 बजे रेडी रहना तुम लोग, और देखते हैं क्या होता है। मजा आएगा, बट मजा आएगा क्योंकि आज हमें टैक्टिकली कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे एनसेलोती के साइड से। वो उसके लिए आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि गातुसो भड़वा है भाई, गातुसो भड़वा है, गातुसो भड़वा है।